मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरभर में करेरा क्षेत्र अवैध रेत खनन का गढ़ बन चुका है। जिले के विकास खंड नरभर करेरा के ग्रामीण इलाकों में शासन की योजनाओं के चलते भले ही विकास कार्यों की गति धीमी हो, लेकिन जिला और क्षेत्रीय प्रशासन की मिलीभगत से अवैध रेत उत्खनन जोर पर है। जिले में रेत खनन कर खनिज विभाग की परिवहन करने के लिए रॉयल्टी देने वाली राज रियल एस्टेट डेवलपर्स कंपनी के मालिक राजीव कुमार गुप्ता ने रेत उत्खनन की कमान रेत माफियाओं के हाथ में सौंप रखी है, जो हर रोज लाखों रुपए का चूना रॉयल्टी के नाम पर टोकन देकर खनिज विभाग को लगा रहे हैं। करेरा थाने की सुनारी पुलिस चौकी क्षेत्र में कल्याणपुर रेत खदान से ठेकेदार को रेत उत्खनन करने की स्वीकृति शासन ने दी है, लेकिन चिन्हित किए गए स्थानों को दरकिनार कर अन्य क्षेत्र में 15 स्थानों पर नदी नालों से LNT मशीनों के साथ पनडुब्बी से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं मगरोनी पुलिस चौकी क्षेत्र में केरुआ पनानेर खिरिया में अवैध रेत का उत्खनन LNT मशीन से ओवर लोड ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर बेखौफ किया जा रहा है। आइए, यहाँ पे जो रेत का काम चल रहा है इसके बारे में क्या कहोगे? ये रेत चल रही है साहब, बहुत ज़्यादा रेत चल रही है। ऊँचे भर भर के ट्रैक्टर ले जा रहे हैं, JCB से रेत भर रही है। बाल बच्चे खेलते हैं रोड पर, सड़क पर आ जाते, वरना कहाँ तक देगा? हम साहब आर्मी लेकर के आते, खेती किसानी पे बच्चों को कौन देखेगा? अच्छा, तो यहाँ पे प्रशासन ने कोई कभी आके सुध नहीं ली? प्रशासन ने पूछा नहीं? नहीं, किसी प्रशासन ने नहीं पूछा। आप कार्रवाई कर रहे हैं साहब? हो रहा है साहब, बहुत ट्रैक्टर माल ऊँचा आ रहा है, डबल फट्टा लग के करीबन 400-300 फुट माल। यहाँ पे बच्चे रोड पर खेलते हैं दरवाजे पे, तो घटना की संभावना है सर। तो यहाँ से ये रेत ट्रैक्टरों को बंद किया जाए। तो ये यहाँ जो ये कौन सी नदी से रेत का उत्खनन हो रहा है? जकवा पनानेर और खिरिया घाट। अच्छा, तो काय से कर रहा है ये लोग? लेबर से भर रहा है, काय से भर रहा है? गारंटी से। मुझे कुछ लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि उनके द्वारा जो रॉयल्टी दी जा रही है वो सही नहीं है। मेरे द्वारा रॉयल्टी की रसीदें माइनिंग विभाग को भेजी जा रही हैं और उनकी सत्यता की जांच के लिए जिसे पता किया जा सके कि रॉयल्टी सही है या नहीं है। बाकी यदि फर्जी रॉयल्टी पाई जाती है तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नरवर से हमारे सहयोगी कमर खान जुड़ चुके हैं। कमर, अगर बात करें तो जो रेत होती है वो सरकार के राजस्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन अगर बात करें नरवर की तो नरवर के करेरा क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि रेत परिवहन जो है वो अवैध तरीके से धड़ल्ले से हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन की नज़र इन अवैध खनन कारोबारियों पर अब तक क्यों नहीं गई है? क्या प्रशासन की मिलीभगत के चलते इनके हौसले बुलंद हैं? ये पूरा मामला नरवर और करेरा तहसील क्षेत्र के एरिया से अवैध रेत से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ बिल्कुल प्रशासन की आंखों के सामने खुलेआम रेत का अवैध कारोबार चल रहा है, परिवहन भी चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा बिल्कुल नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है या फिर प्रशासन की मिलीभगत है। जी कमर, हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो एक मानक होता है, जो ट्रॉलियों में रेत भरने का, ट्रकों में रेत भरने का, हम देख रहे हैं कि वो मानक से कई ज़्यादा मात्रा में रेत भरकर ले जाई जा रही है, यानी ओवरलोड जो है वो रेत लेके जाई जा रही है। ऐसे में क्या प्रशासन इन पर नज़र नहीं रखता है? क्योंकि इससे तो खनिज विभाग और जो प्रशासन, उसको लाखों का नुकसान हो रहा है। ये पूरा मामला अवैध रेत से जो जुड़ा हुआ है, तो इसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों का तो ये आलम है कि करीब 300-400 फुट जो क्षमता से करीब 3 गुना भार अधिक लेके और खुलेआम सड़कों पर दौड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए घातक भी साबित हो रहे हैं। और प्रशासन की आंखों के सामने ये लगातार अवैध रेत परिवहन की दौड़ चल रही है सड़कों पर, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और सबसे बड़ा यहाँ एक सवाल एक और है कि जो रेत की जो परिवहन करने के लिए जो खनिज विभाग की वो होती है और रॉयल्टी दी जाती है, वो रॉयल्टी ना देते हुए यहाँ 1,000 रुपये का टोकन अवैध रूप से वसूली करके एक पर्ची पकड़ाई जाती है, जिसको ये लोग टोकन बोलते हैं। जी कमर, ये टोकन किस काम में आता है और आखिर ये टोकन की शुरुआत किस तरह से हुई है? क्या इस टोकन को लेने भर से मात्र जो परिवहन विभाग है उसकी खाना पूर्ति हो जाती है?
ये टोकन दे के बस एक यही सबसे बड़ी खाना पूर्ति होती है कि प्रशासनिक जो भी अमला है संबंधित रेत कारोबारियों पे अवैध रेत पे जो कार्रवाई की जानी चाहिए, तो वो टोकन जिसके पास पास होता है ना परिवहन करने के लिए, वो टोकन वाले जो वाहन है उस पर प्रशासन बिल्कुल आग बंद करके उसको जाने देता है, कोई रोक टोक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जी कमल, अगर बात करें तो जिस जगह पर अगर हम बात करें निर्धारित स्थानों पर जो खुदाई करनी चाहिए, हम देख रहे हैं कि उसके अलावा भी ऐसे कई जगह पर हैं जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए रेत का उत्खनन किया जा रहा है, यानी चिन्हित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की खुदाई हो रही है और अवैध रेत निकाली जा रही है। शिवपुरी जिले में खनिज विभाग के द्वारा राज रियल एस्टेट डेवलपर्स कंपनी के मालिक राजीव गुप्ता को ये रेत उत्खनन का कार्य सौंपा गया है, उनको लीज दी गई है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि उनको सिर्फ एक या दो खदानें स्वीकृत की है जहाँ से रेत उत्खनन करके और मार्केट के लिए परिवहन कराया जाना है, लेकिन उन स्थानों पे तो उनके द्वारा उत्खनन नहीं किया जा रहा। लगभग क्षेत्र में 15 या 16 जगह ऐसी हैं जहां एलएनटी मशीन और पोकलैन वो अपना पनडुब्बियों से नदी में डालकर रेत निकाली जा रही है और फिर एलएनटी मशीनों से ओवरलोड वाहनों को भर के वो उसकी चोरी करके खनिज विभाग की जो रॉयल्टी की चोरी करके वो टोकन दिए जा रहे हैं। जी कमर, धन्यवाद आपके इस पर्वाधिक जानकारी के लिए। तो बता दें कि क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार है वो जोर शोर से चल रहा है और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह का अवैध खनन कारोबार चल रहा है लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो गेट पास है, इन गेट पास के जरिए जो अवैध खनन की जो गाड़ियाँ हैं वो धड़ल्ले से शहर में एक जगह से दूसरे जगह रेत का परिवहन करती हैं, लेकिन खनिज विभाग जो है वो इन पर किसी तरह की कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां अवैध रेत का जो कारोबार है वो क्षेत्र में जोरों से चल रहा है लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह का अवैध खनन कारोबार चलने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निर्भर में करेरा क्षेत्र में अवैध रेत खनन का गढ़ बन चुका है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए अवैध रेत का खनन का कारोबार जो है वो किया जा रहा है और सिर्फ खाना पूर्ति करके चंद पैसों के बदले इन खनन माफियाओं को छोड़ दिया जाता है और इनकी गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है। तो एक तय मात्रा के अनुसार जिस तरह से जितना खनन का परिवहन किया जाना चाहिए उससे ज्यादा खनन जो है परिवहन किया जा रहा है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह चंदे जी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका एमके न्यूज पर। राजेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है सर से हमारा संपर्क टूट गया, हम संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर में करेरा क्षेत्र में अवैध रेत खनन का गढ़ बन चुका है और जब इसी खबर पर हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वो राजेश सिंह चंदेल जी से, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। पुलिस अधीक्षक है राजेश सिंह चंदेल, उनसे जब हमने इसी मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने फ़ोन काट दिया हमारी बात सुनकर और किसी बात का बिना जवाब दिए उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस पर जवाब भी लेंगे कि आखिर क्षेत्र में इस तरह से अवैध खनन का कारोबार चल रहा है तो प्रशासन को आखिर इस पूरे मामले पर खबर क्यों नहीं है और अगर प्रशासन को खबर है तो इस तरह अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर कब कार्रवाई होगी, एक बड़ा सवाल है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमने हमारे सहयोगी से भी बात की और उनका भी यही कहना है कि क्षेत्र में धड़ल्ले से प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह का अवैध खनन किया जा रहा है लेकिन खनन माफियाओं की जो पकड़ है उसके चलते खनन माफिया आसानी से छूट जाते और चंद रुपए देकर खनिज विभाग को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।
तो हर रोज लाखों रुपए का चूना रॉयल्टी के नाम पर टोकन देकर खनिज विभाग को लगा रहे हैं। करेरा थाने के सुनारी पुलिस चौकी क्षेत्र में कल्याणपुर रेत खदान से ठेकेदार को रेत उत्खनन करने की स्वीकृति शासन ने दी है, लेकिन चिन्हित किए गए स्थान को दरकिनार कर अन्य क्षेत्र में 15 स्थानों पर नदी नालों से एलएनटी मशीनों के साथ पनडुब्बी से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। तो वही मगरोनी पुलिस चौकी क्षेत्र में केरुआ पनानेर खिरिया में अवैध रेत का उत्खनन एलएनटी मशीन से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर बेखौफ तरीके से किया जा रहा है। तो फिलहाल एमके न्यूज की इस खास खबर में इतना ही। देखते रहिए एमके न्यूज पर खबरों के अधिक अपडेट। नमस्कार।